जनपद में बहने वाली घाघरा, सरयू, कुआनों व राप्ती नदियों के जलस्तर में तेजी से घटोत्तरी दर्ज की जा रही है। राप्ती नदी भी खतरे के निशान से नीचे आ गई है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले एक सप्ताह में सभी नदियां अपने पुराने दौर में आ जाएंगी। राप्ती नदी भी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ में जनपद के 400 गांव प्रभावित थे, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या धीरे धीरे 50 के नीचे आ गई है। बाढ़ तेजी से समाप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि दो दिनों से हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी एक से दो दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी को छोड़कर के बाकी सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। राप्ती 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर ही खतरे के निशान से बह रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले एक दो दिन में राप्ती भी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। जो आज से 10 दिन पहले हमारे लगभग 400 गाँव बाढ़ से प्रभावित थे, अब धीरे धीरे वो भी 50 से नीचे हो गए हैं। बाढ़ बड़ी तेज़ी से यहाँ पर समाप्त हो रही है। सर, कल शाम से बारिश हो रही है, इसमें नदियों की जलस्तर क्या है? ये लोकल बारिश है, इससे नदियां ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही हैं। अभी अगर पीछे का पानी आएगा तो कल वल तक स्थिति स्पष्ट होगी कि नदियों में कुछ उफान आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर, बारिश होने की संभावना कब तक? बारिश अभी एक दिन और होगी, और ये अब फोरकास्ट मोबाइल पर भी लोगों के उपलब्ध रहता है,